हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो बहुत सारे बच्चे जो डेलेट के अभ्यर्थी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि 2020 का डेलेट जो है उसका सत्र जो है लगभग जो है ख़त्म हो चुका है। 2021 में हम लोग प्रवेश कर लिए हैं और 2021 में भी जनवरी लगभग ख़त्म हो चुकी है। अभी 2020 का कोई नामो निशान नहीं है। 2021 के बारे में जो है एक दिन थोड़ा सा आया था एक कटिंग में, उसको भी हम लोग देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप डेलेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एजुकेशन से आप संबंधित हो, तो अपने इस चैनल पर आप ट्रस्ट करिए और इस पर आप जो है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। ये एक न्यूज थी जो बहुत दिनों पहले आई थी और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि डीएलएड के सत्र पर अनिर्णय की स्थिति। सबसे पहले मैं इन पर बात करूंगा, फिर मैं पीएनपी से क्या बात हुई मेरी उसके बारे में बात करेंगे। डीएलएड सत्र 2020-21 में प्रवेश को लेकर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। चलिए, ये सारी चीजें आपने पढ़ भी लिया होगा क्या है, कैसी चीजें हैं 2.5 लाख सीटों पर। तो एक बात तो मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% में श्योरली के साथ बता सकता हूं कि 2020 का सत्र जो है अब नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल शून्य हो चुका है, इसमें तो कुछ भी आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं कि 2021 वाला कब आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 2020 का अगर अब सत्र कराएंगे, मैं किस बिहार पर बोल रहा हूँ सुनिए, 2020 जो है आपका जनवरी हो ही चुका है। अगर मान लो ये फरवरी में ये फॉर्म निकाल देते हैं जो कि बहुत ही असंभव टाइप का है, तो फरवरी में फॉर्म निकालेंगे, अप्रैल में ये एडमिशन लेंगे, काउंसलिंग वगैरह मिलाकर अप्रैल से इनका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसी बीच में मार्च में इन्होंने 2021 वाले का भी फॉर्म निकालने के लिए इन्होंने कहा है मार्च में। अब सुनिए, अगर मार्च में निकालेंगे तो अप्रैल और मई में इनकी भी काउंसलिंग होगी। अगर इनकी काउंसलिंग होगी तो आपको भी पता है कि दो सत्र एक साथ नहीं चलाए जा सकते, और ना ही किसी के पास, किसी कॉलेज के पास इतना संसाधन होता है, क्लियर है। चलिए, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ 2021 के बारे में, 2021 के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका फॉर्म मार्च में निकालने के लिए इन्होंने कह दिया है कि मार्च में एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, पहले मेरी सारी बात सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा पीएनपी से क्या मेरी बात हुई है, अभी तक उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में भी सुनिए। पहले आप बात को सुन लीजिए, मार्च में उन्होंने फॉर्म निकालने किया है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्म निकलेगा ये 2020 का फॉर्म नहीं होगा, ये फॉर्म होगा 2021 का। यानी कि अगर ये फॉर्म निकल जाएगा तो 2021 में और भी कोई फॉर्म आना नहीं है डीएलएड का। लेकिन अगर ये फॉर्म को मार्च में निकाल देते हैं तो आप सबको पता है कि मार्च में सभी लोगों की ग्रेजुएशन का जो होता है एग्जाम स्टार्ट होता है, यानी किसी का भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया रहेगा इस मार्च में। यानी कि अगर मार्च में वो फॉर्म निकाल देंगे तो एडमिशन की प्रक्रिया में वही लोग भाग ले पाएंगे जिनका 2020 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 2021 वाले एक भी बच्चे इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया रहेगा। और डीएलएड के एडमिशन में रिजल्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें जो भर्ती होती है वो मेरिट पर होती है, यानी मेरिट से ही आपके काउंसलिंग होती है, और जिसका मेरिट अच्छा रहता उसी को उसी हिसाब से कॉलेज मिलती, क्योंकि इसमें एंट्रेंस होता नहीं है बीएड के जैसा, ठीक है। तो इसका फॉर्म मार्च में तो बिल्कुल भूल ही जाइए, इसका फॉर्म जो है मई से पहले नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीज हो गई पूरी क्लियर। अब जो मेरी पीएनपी से बात हुई है आप उसको सुन लीजिए। अगर मैं पीएनपी की बात से बोलूं तो पीएनपी में मेरी अक्सर बात हुई है, मैंने लगभग आप ही के लिए मैं हफ्ते में 102 बार तो इनको कॉल कर ही लेता हूँ। तो मेरी जो इनसे बात हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि 2020 के बारे में, जो 2020 का डीएलएड है वो जो है शासन के द्वारा है, और ये इन्होंने मुझे बताया था एक महीने पहले जब मैंने बात किया था। कब की बात किया था, एक महीने पहले जब मैंने बात किया था इनसे, तब इन्होंने कहा कि वो शासन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि शासन क्या चाहती है, क्या 2020 कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पीएनपी है, अगर मैं पीएनपी की बात करूं, पीएनपी ने यह बता दिया कि 2020 का जो सत्र है वो कैंसिल करा दी जाएगी, ये पीएनपी ने बता दिया है। एक दिन पेपर में भी निकला था, आपने पढ़ा भी होगा और मैंने वीडियो भी बनाई थी। लेकिन जो कॉलेज वाले हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो बीएड करवाते हैं, उन्होंने सीधा ये बता दिया है कि नहीं, जो है हम 2020 का सत्र शून्य नहीं करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा तो इनको फीस वगैरह मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं होगा। लेकिन अगर पीएनपी कह रहा कि हम नहीं कराएंगे तो कॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है, कॉलेज वाले कुछ भी कह लें क्या चीज़ें हैं, तो ये नहीं लाएंगे 2020 का फॉर्म। आप सबको पता कि ये 2020 फॉर्म नहीं लाएंगे, रीजन मैंने बता दिया क्यों नहीं, क्योंकि 2020 और 2021 दोनों एक साथ नहीं चल पाएगा। रही बात 2021 की, तो अभी मैंने जो बात किया तीन दिन पहले मैंने बात किया है, तब इन्होंने कहा है कि जैसा भी शासन बताएगा वैसे उसी हिसाब से फॉर्म आएंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फॉर्म के बारे में जो सोचा जाएगा वो पंचायत चुनाव के बाद ही सोचा जाएगा।
पंचायत का चुनाव आप सबको पता है मार्च में होना है, पंचायत का चुनाव, उसके बाद ही इन सारी चीजों पर बात किया जाएगा। और सबसे पहली चीज तो आप जान लो कि पंचायत चुनाव के कारण ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, यानी कि जो बीच में पंचायत चुनाव है, तो चाहे डेलेड का नोटिफिकेशन हो चाहे टेट का नोटिफिकेशन हो, ये सारे नोटिफिकेशन जो हैं अब पेंडिंग में चले जाएंगे। ये चीज तुम जान लीजिए आप लोग, जितने भी लोग पेंडिंग में चले जाएंगे। और ये मैंने नहीं कहा, ये पीएनपी में जो बात हुई है उसके बारे में, क्योंकि वहां पर जो है सारी चीजें, शासन को जो भी प्रस्ताव भेजा जाता है शासन उस पर इस टाइम मोहर नहीं लगा रही, क्योंकि सभी लोग जो है चुनाव में फंसे हुए हैं जो पंचायत का चुनाव है। तो मैं मोटी मोटी आपको बात बता दूं, जो यहां से निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो 2020 का सत्र है ये खत्म हो चुका है, लगभग शून्य हो चुका है, खत्म, अभी इस पर मोहर नहीं लगी है। लेकिन मैं बता देता हूं 99% उम्मीद मेरी यही है कि ये खत्म हो चुका है। कम से कम मैं 3-4 साल से मैं कवर कर रहा हूं इन सारी न्यूज को, डेलेट बीएड को, मुझे इतना तो अंदाजा लग गया कि अब ये नहीं होने वाला है। बात करूं अगर 2021 की, तो ये मार्च में नहीं आएगा, ये मैं फिर से बता देता हूं, भले ही ये लोग फॉर्म कुछ भी कर दें मार्च में नहीं होगा, ये जो आपका होगा ये अप्रैल लास्ट तक या मई में ये चीजें शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो इतनी ही न्यूज मेरे पास थी। अब इससे ज्यादा अगर मैं कोई न्यूज दूंगा तो वो गलत होगी, और गलत न्यूज मैं दूंगा नहीं। तो इतनी चीजें हैं, बाकी जैसी भी मुझे कोई न्यूज मिलेगी, हालांकि मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूं कि मेरा बात फिर से हो जाए पीएनपी में, लेकिन यार वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। अगर मैं सही चीज बताऊं तो वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो जैसे ही वो मेरी कॉल को रिसीव करते हैं मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि मेरी और क्या उनसे बात हुई है। लेकिन जब रिसीव करेंगे तभी बनाऊंगा, आप लोगों की जल्दबाजी से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं गलत और झूठी न्यूज नहीं दे सकता। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हुए हो तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत।